हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्नेक विलेज किचन में आज आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं पालक बड़ी कैसे बनती है। ये बनाना बहुत आसान है, तो चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमने पालक लिया है, हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, हमने इसे इसकी जड़ को सारी काट के निकाल दिया है। हमें इसे नरम नरम पत्तियाँ लेना है। अब इसे हम छोटे छोटे बारीक बारीक इसे हम काट लेते हैं। हमें छोटा छोटा काटना है, बड़ा इसे बिल्कुल नहीं काटना है। सारा हमने काट लिया है, अब इसे हम अलग बर्तन में रख लेते हैं। दूसरे बर्तन में रखने के बाद हम एक कटोरी इसमें सबसे पहले बेसन डालते हैं। बेसन को हमने पालक में इसलिए डाल रहे हूँ, ये जोड़ने का काम करेगा पालक को। अब इसके बाद हमने चावल का पिसा हुआ आटा डालती हूँ एक कटोरी। चावल का आटा हमने इसलिए डाल रही हूँ, ये हमारी बड़ी कुरकुरी उतरे। इसके बाद हमने मूंगफली का मुरादा डाल रही हूँ, ये खाने से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हमने आधा चम्मच इसमें हल्दी ऐड करते हैं। इसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे चटपटा लगने के लिए। अब इसके बाद हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालते हैं। अब इसके बाद हम सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये हमने सारा मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर गूंथते हैं। ये हमने गूंथ कर तैयार कर लिया है, अब इसे हम दो भाग में कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसे सिलेंडर के आकार देकर इसे हम तैयार कर लेते हैं। अब ये हमारा तैयार हो चुका है, अब इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। ऐसा हम दूसरा ही तैयार कर लेते हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है, अब इसे हम रख देते हैं। अब इसके बाद हम एक जालीदार बर्तन लेते हैं। अब बर्तन लेने के बाद हम इसमें सारा तेल लगा देते हैं। तेल हमें अच्छे से लगाना है, ये पकने के बाद हमारा अच्छे से निकल जाए। अब तेल लगाने के बाद हम अपने पालक बड़ी इसमें रखते हैं। हमें इसे दूरिया बनाकर रखना है, ये फूलकर अच्छे से पक जाएगा। दूरिया बनी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ऊपर तक अच्छे से पक जाएगा। अब इसे हम रख देते हैं। अब इसके बाद हम अपने गैस पे बड़ा सा भगोना रखेंगे। अब इसके बाद हम अपने भगोने में 4 गिलास पानी डालते हैं। अब हम पानी को उबलने के लिए छोड़ देते हैं। पानी हमारा उबल रहा है, अब हम अपनी पालक बड़ी इस पे रखते हैं। रखने के बाद इसे हम ढक देते हैं। 10-15 मिनट के लिए हम इसे भाप से पकाते हैं। ये हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है, अब इसे हम चेक करते हैं। ये हमारा बिल्कुल पक के तैयार है, यशवंजी ऐसा हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं। ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल के रख लिया है, अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काटते हैं। ये हमारा अच्छे से पका हुआ है, ये हमें काटने में कोई परेशानी नहीं है। ये स्पंजी जैसे उतरा है, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे हम सारे पीस को काट लेते हैं। ये पालक वड़ी बनाने में बहुत आसान तरीका है, ये बच्चों को बहुत पसंद है। ये सुबह चाय के नाश्ते के साथ खाने में बहुत स्वाद लगता है, बहुत अच्छा होता है। सुबह चाय के साथ मिल जाए तो ये मज़ा आ जाता है। सारा हमने काट के तैयार कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं आगे। गैस पे हमने अपना तवा रखा है, गैस भी ऑन कर दिया है। अब हमने इस पे तेल डालते हैं।
तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपनी पालक वड़ी पकाते हैं। इसे हमें उलट पलट के पकाना है, ये हमारा अच्छे से पक जाए। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं। इसे हमें बिल्कुल ब्राउन कलर पकाना है, इसे हम उलटते पलटते रहेंगे। ये बिल्कुल हमारा पक के तैयार है, ये भूरा कलर हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे पालक वड़ी को हम तल के निकाल लेते हैं। इसे भी हम उसी तरह उलट पलट के पकाते हैं। ये हमारी पालक वड़ी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। आप सब देख सकते हैं कितना कुरकुरा उतरा है। इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये सुबह चाय के नाश्ते में मिल जाए तो ये चाय की मज़ा दुगना हो जाती है। आप सब इसे अपने घर जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बिल्कुल आसान तरीका है, इसे हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। बनाने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। ये पालक वड़ी को आप फ्रिज में एक हफ्ते रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारी पालक वड़ी आप सबको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना। ऐसी ही वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर बनाती रहती हूँ। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।